हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ की जो हिंदी है, आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी गद्य, उद्भव और विकास, हिंदी का। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, हिंदी का है और हिंदी खा और हिंदी गा वाले स्टूडेंट जो हैं इस वीडियो को, बस सिर्फ इसका जो फर्स्ट लेसन ही उनका सिमिलर है, बाकी सारी स्टोरीज उनकी अलग हैं। तो ज़रा ध्यान से अपने पहले सब्जेक्ट को चेक कर लीजिएगा कि हिंदी का है या हिंदी खा या फिर हिंदी गा है आपके पास, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो जैसा कि अभी हमने लास्ट टाइम पे जो वीडियो बनाई थी कि इकाई दो में से हमने नंबर वन यानी कि स्टोरी ली थी जुलूस, ठीक है। आज हम इसके अंदर बात करने वाले हैं लेसन नंबर थर्ड यानी कि इकाई यूनिट टू से लेसन नंबर थर्ड, मैं हार गई मनु भंडारी। अब मैं हार गई मनु भंडारी वाली जो स्टोरी है आपकी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं कि मनु भंडारी वाली स्टोरी के अंदर आखिर क्या दे रखा गया है, ठीक है। तो ये जो है हमारा लेसन नंबर थर्ड है मनु भंडारी, ठीक है। अब मैं हार गई, इसमें उन्होंने मनु भंडारी ने क्या स्टोरी लिखी है इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा रिव्यू लेंगे, छोटा सा एक इंट्रो लेंगे जो भी राइटर है उसका। नई कहानी को प्रतिष्ठित करने में जिन कहानी लेखकों का प्रमुख योगदान रहा है उसमें से मनु भंडारी का भी एक नाम अग्रणी है यानी कि आगे आता है। अब अप्रैल 1971 के अंदर दिन मध्य प्रदेश के भानुपुरा में जन्मी मनु भंडारी श्री मुख संपतराय भंडारी को सबसे छोटी पुत्री थी, यानी कि जो मुख संपतराय भंडारी हैं उनकी सबसे छोटी बेटी है जिनका जन्म अप्रैल 1931 में हुआ था मध्य प्रदेश के भानुपुरा के अंदर। तो सन 1957 में उनका पहला कहानी संग्रह मैं हार गई नाम से प्रकाशित हुआ और मैं हार गई कहानी संग्रह अपने पिता को समर्पित करते हुए उन्होंने उनके प्रति श्रद्धा भाव और इन शब्दों में व्यक्त किया है, जिन्होंने मेरी कभी भी इच्छा पर कभी अंकुश नहीं लगाया। पिताजी को उनके उपरांत सन 1979 तक तीन निगाहों की तस्वीरें, यही सच है, एक प्लेट सैलाब और श्रेणी कहानियाँ, मेरी प्रिय कहानियाँ तथा त्रिशंकु आदि उनके साथ कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो स्टोरी आपकी स्टार्ट होती है तो स्टोरी में क्या बताया गया है। मैं हार गई मनु भंडारी की प्रथम प्रकाशित कहानी है जो सर्वप्रथम कहानी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रस्तुत कहानी में आज के राजनेताओं का चित्रण स्पष्ट होता है। आज बताया गया कि आज के जो लीडर हैं, आज के जो नेता हैं, उनके बारे में यहाँ पर दिखाया गया। लेखिका अपनी कहानी में एक ऐसे राजनेता की सृष्टि करना चाहती है जो देशभक्त हो, वर्तमान की चुनौतियों को स्वीकार कर सकें और आज के राजनेताओं पर स्वार्थी, भ्रष्टाचारी होने के जो आरोप लगाए जाते हैं उन्हें वो झूठा कर सके। तो वो ऐसी स्थिति को देखते हुए एक इमेजिनेशन क्रिएट करती है अपने माइंड में और एक स्टोरी लिखती है। ऐसे चरित्र को रचने की चुनौती लेखिका को एक कवि सम्मेलन में सुनाई जाने वाली कविता से मिलती है जिसका शीर्षक था बेटे का भविष्य। उस कविता में एक पिता अपने बेटे के भविष्य का अनुमान लगाना चाहते हैं। अब बताया गया है कि जो मनु भंडारी है वो स्टोरी लिखने के लिए कहाँ से प्रेरित होती है कि एक जगह पर वो जाती है जहाँ पर जो है एक कवि सम्मेलन हो रहा होता है। उस कवि सम्मेलन के अंदर जो है एक पिताजी जो है अपने बेटे के ऊपर अपने भविष्य को, उसके भविष्य की चिंता कर रहे होते हैं। तो इनकी बेटे का भविष्य जो है उसका शीर्षक था। तो इसके लिए क्या होता है, वह अपने कमरे में एक अभिनेत्री यानी कि वो जो पिता है वो अपने बेटे का भविष्य का अनुमान लगाना चाहता है। इसके लिए वह क्या करता है, उसके कमरे में एक अभिनेत्री की तस्वीर रख देता है, एक शराब की बोतल रख देता है और एक प्रतीक गीता की रखकर स्वयं छिपकर बेटी की प्रतिक्रिया देखता है। बेटा सबसे पहले अभिनेत्री की तस्वीर देखकर प्रश्न होता है, फिर शराब की बोतल खोलकर दो घूंट लगाता है और फिर गंभीर मुद्रा बनाकर गीता की प्रति बगल में दबाकर बाहर निकल आता है। बेटे की इन हरकतों के आधार पर पिता को विश्वास हो जाता है कि उसका बेटा एक दिन अवश्य आजकल का नेता बनेगा, यानी कि जो आजकल के लीडर्स हैं जिस तरीके से वो जो है खोखले वादे करते हैं कि वो जो है जनता के लिए क्या क्या कर देंगे, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर उसने अपने बेटे को देखा कि पहले उसने अभिनेत्री की तस्वीर देखी और वो खुश हुआ, उसका मन जो है प्रफुल्लित हो गया। उसके बाद में उसने क्या करा, वहाँ से दारू की बोतल उठाई और दो घूंट लगाए और उसने उसके बाद में क्या करा, फाइनली जो है वो अपने बिल्कुल नॉर्मल रूप में आ गया और उसने गीता की प्रति उठाई और वो अपने बगल में दबाकर बाहर आ गया, जिसको देखते हुए उसके पिताजी ने क्या अंदाजा लगाया कि ये तो आजकल का नेता बनेगा। इस कविता को सुनकर दर्शकों की हथी छूट जाती है और तालियों में गड़गड़ाहट सभा कक्ष गूंजने लगता है। लेखिका नेताओं के प्रति किए गए इस व्यंग को यानी कि इस मजाक को सहन नहीं कर पाती क्योंकि उसके पिता स्वयं भी एक राजनेता है, यानी कि उसके पिता खुद भी एक नेता है, इस वजह से उसको बहुत अजीब लगता है कि भाई नेताओं के प्रति उन्होंने ऐसा क्यों बोला हुआ है, ठीक है। और परंतु उसके जो पिताजी हैं वो अपने पिताजी को एक आदर्श नेता मानती है। इस कविता में उसे अपने पिता का अपमान प्रतीत होता है और इस अपमान का बदला लेने के लिए वह अपनी कहानी में एक नेता की रचना करने का संकल्प लेती है जो सभी दोषों से मुक्त होगा। अब वो लेखिका ये सोचती है मनु भंडारी कि मैं एक ऐसी कहानी लिखूंगी जिसके अंदर ऐसा कोई, मतलब जो नेता होगा ना उसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, वो किसी भी प्रकार से जो है वो दोष मुक्त होगा हर जगह से।
तो लेखिका ने संकल्प को पूरा करने के लिए बहुत तैयारी की। उसने महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन किया। उसने सभी के गुणों को एक ही चरित्र में संजोने का यत्न किया। उसने सोचा कि सभी को एक ही जगह पर इकट्ठा करके मैं कहानी को लिखती हूँ। उसके सामने अनेक ऐसे उदाहरण थे जो गरीबी और अभाव में पले और बाद में आदर्श नेता बने। इसलिए उसने अपने भावी आदर्श नेता का जन्म एक गरीब और अभावग्रस्त परिवार में कराया। गरीबी और कठिनाइयों के बीच उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की। महान व्यक्तियों की जीवनी और संसार की क्रांतियों के विषय में पढ़ा। उसने आसपास उसे जहाँ भी अत्याचार अनाचार दिखाई देता उसका विरोध करने का सदा तैयार रहता। पर तभी उसके पिता का निधन हो गया। अब परिवार का निर्वाह करने का दायित्व उसके कंधे पर आ गया। अब उसके बाद जमींदार ने जमीन हड़प ली। माँ की आंखों की रोशनी चली गई और बहन को जो है टीवी का रोग यानी कि क्षय रोग हो गया। नौकरी कहीं मिली नहीं। ऐसे में मजदूरी करने के अतिरिक्त उसके पास और कोई उपाय नहीं बचा। एक दिन उसे पता चला कि बहन के क्षय रोग के इलाज के लिए काफ़ी रुपया चाहिए। किसी ने उसकी सहायता नहीं की और एक दिन वह सारे आदर्श भूलकर चोरी की ओर प्रवृत्त हुआ। लेखिका को अपने भावी नेता की इस परिणति से उतना धक्का लगा कि भाई इतना अच्छा नेता और एकदम ही से उसने चोरी कर ली, परंतु उसकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी इस वजह से। इस सृष्टि के वही टुकड़े टुकड़े कर दिए। आदर्श नेता की अपनी कल्पना को साकार करने के लिए लेखिका ने एक प्रयास और किया। पहले निर्धनता उसके आदर्शों की राह में आ रही थी, तो इसलिए उसने इस बार नेता का जन्म जो एक धनिक परिवार में हुआ और जहाँ पे अभाव का नामो निशान भी नहीं था। अच्छे से अच्छे विद्यालय में उसकी पढ़ाई हुई और पूर्व के नायक की भांति उसके मन में भी समाज के लिए कुछ कर करने की चाह थी और यह सादगी से रहता था। गरीब बच्चों को पढ़ाता और दूसरों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहता। पर धीरे धीरे आदर्शों का यह मोह टूटने लगा और स्कूल की शिक्षा समाप्त कर कॉलेज में जाने पर उसकी रईसी रंग ढंग दिखाने लगी। अब उसका अधिकांश समय और धन भोग विलास में व्यय होने लगा। उसे ना अब किसी की सलाह की आवश्यकता रही और ना ही किसी नियंत्रण स्वीकार करने को वह तैयार था। अब इसमें देखो वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले जब उसने गरीब परिवार में जन्म दिया तो सब कुछ ठीक था, पर फाइनली उसको पैसे की दिक्कत आई और इस वजह से उसने चोरी कर ली। दूसरा, जब उसको ये लगा कि नहीं अब मेरे को अपने अभिनेता को अपने नेता को जो है अलग बनाना है, तो अपने उस राजनेता को उसने अमीर परिवार में जन्म दिलवाया। पर अमीर परिवार में जन्म दिलाने के बाद में भी क्या हुआ, अब स्थिति यहाँ तक आ गई कि अमीर परिवार में तो जन्म दिला दिया परंतु अब जो है वो रईसी जो है उसके रंग रंग दिखाने लगी और वो कॉलेज लाइफ में आने के बाद में वो अय्याश बन गया और उसे अब किसी सलाह की आवश्यकता नहीं थी, ना ही किसी का नियंत्रण स्वीकार करने को वह तैयार था। उसके चरित्र में आए इस परिवर्तन को देखकर लेखिका की निराशा की सीमा ना रही। उसने अपनी इस सृष्टि को भी चिंदी चिंदी कर फेंक दिया। अब उसने क्या करा, दूसरी बार भी इसको फाड़ के फेंक दिया और अब लेखिका में इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो एक बार फिर अपनी संकल्पना को या फिर अपनी कल्पना को साकार करने का प्रयत्न करे या यत्न करे। और उसे भी लगने लगा कि उस कवि की कविता का कोई उपयुक्त उत्तर देना संभव नहीं है और इसीलिए इस स्टोरी का नाम था मैं हार गई। तो मनु भंडारी ने ये स्टोरी यहाँ पर इसीलिए लिखी थी कि जिससे कि आपको ये दिखाया जा सके कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए और किस प्रकार से वहाँ पर जो है पूरी की पूरी छवि जो है एक भविष्य का बेटा और मैं हार गई दोनों स्टोरी को कैसे कैसे जोड़ा गया है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और अगर आपका आंसर आएगा तो आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आप मनु भंडारी वाले इस लेसन से मैं हार गई से आप आराम से अपनी स्टोरी को लिख सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।